चीन के मोबाइल चोर। आपका साथी हमेशा आपके साथ रहने वाला आपका स्मार्टफोन, वाकई वाकई जरूरत भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फोन में सेव्ड हर जानकारी कभी भी लीक हो सकती है, चाहे वो आपकी फोटोग्राफ्स हो, मोबाइल वॉलेट से जुड़ी जानकारी हो। कहने का मतलब ये कि आपका स्मार्टफोन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस सुरक्षा में सेंध लगाने का खतरा चीन की तरफ से है, और चीन के करीब 90% से ऊपर स्मार्टफोन या तो चीन में ही बनते हैं या उनकी असेंबलिंग होती है वहां पर, यानी स्मार्टफोन का सर्वर चीन में है, लिहाजा खतरा भी ज्यादा है। और सरकार ने इसी डेटा सुरक्षा को लेकर 21 मोबाइल फोन कंपनियों को नोटिस भी भेज दिया है। 28 अगस्त तक जवाब इन्हें दाखिल करना है, और सरकार ने इनसे पूछा है कि उनके मोबाइल फोन में डेटा कितना सुरक्षित है। तो आखिरकार चीन की जो ये जासूसी है, मोबाइल जासूसी है, आपको किस तरह खतरे में डालती है, इस पर इस शो में हम बात करेंगे। बचाव के क्या तरीके हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं हूं स्वाति राणा, हमारे साथ कुछ खास गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी देती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने 21 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके मोबाइल फोन में डेटा कितना सुरक्षित है। सरकार ने यह आदेश डेटा लीकेज और चोरी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के बाद जारी किया है। सरकार ने जिन कंपनियों को आदेश जारी किया है उसमें ज्यादातर चीनी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को 28 अगस्त तक बताना होगा कि डेटा सुरक्षा के लिए उनके फोन में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो, शायोमी और जियोनी भी शामिल है। दरअसल सरकार चाहती है कि मोबाइल फोन यूजर्स को डेटा की सुरक्षा की गारंटी मिले। अभी जो ये डेटा ब्रीच के बारे में अपने को रिसेंटली रैंसमवेयर अटैक हुए, तब से अपने को मल्टीपल वायरसेस मार्केट में आ रहे हैं। अभी एग्जांपल अपन अभी देख रहे हैं, बहुत सारे स्टोर्स को डैमेज कर रहे हैं इंडिया में, अपन लाइक नॉर्थ में वहां पे देख रहे हैं। ये क्या बोलते हो, मल्टीपल केसेस भी रजिस्टर हो रहे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। मतलब लोग आके क्या बोलते हो, मेरा मोबाइल फोन हैक हो गया, मेरा डेटा का पूरा इन्फॉर्मेशन लीक हो जा रहा, मैं कुछ भी नहीं किया तो भी मेरा इन्फॉर्मेशन नेट पे आ रहा बोल के मल्टीपल केसेस अभी रजिस्टर हो रहे। दरअसल एक दो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर स्मार्टफोन चीन में बनते हैं, और इसका सर्वर भी चीन में ही होता है। जाहिर है वहाँ से डेटा का गलत इस्तेमाल होने की पूरी आशंका होती है। इस लिहाज से सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि चीन में बने प्रोडक्ट्स को साइबर सिक्योरिटी के रडार पर रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुनील चांदना, सीईओ स्टेरा डेटा है। मेरे सहयोगी अभिषेक तलंग इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि समझाएंगे आखिरकार ये जो हम हैकिंग या फिर चीनी जासूस का हमारे फोन में सेंध मारने का खतरा बता रहे हैं वो कितना बड़ा खतरा है। कुछ देर में हम होप करें कि पंकज महेंद्र जी, प्रेसिडेंट आईसीए, दैट इज इंडियन सेलुलर एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ेंगे। बट एक्चुअली जिन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, 21 कंपनी जो कि शक के दायरे में है, जिनको नोटिस भेजा गया है, ज्यादातर कंपनियां चीनी कंपनियां, हो सकता है कि इन कंपनियों के मोबाइल फोन आपके पास भी हो। नामी गिरानी कंपनियां हैं, दैट इज वीवो, ओप्पो, शायोमी, जियोमी। इनफैक्ट अभिषेक, आपके पास कुछ फोन्स भी हैं क्या, उनमें से ये फोन्स हैं जिन पर ये कहा जा रहा है कि सेंध मारी और जो डेटा लीकेज वो एक्चुअली हो रही है और ये एक्चुअली सर्वर तक पहुंच रही है जहां पर आपकी सारी जो निजी जानकारी है, पासवर्ड, जितने भी आप अपने फोन में निजी डेटा रखते हैं, आपके बाकी इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड सब वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे हाथ में इस वक्त 3-4 फोन्स हैं, जिसमें से सैमसंग जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, उसको भी ये नोटिस गया है कि आप अपने डेटा की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम करके रखे हैं आप बताइए। मेरे साथ शाओमी है जो कि चाइनीज ब्रांड है, और इसके भी इनको भी इस तरीके का नोटिस गया है। और एप्पल जो कि दुनिया की सबसे सिक्योर कंपनी मानी जाती है डेटा सिक्योरिटी के मामले में, और ये इतनी ज्यादा है कि वहां टिम कुक यूएस सरकार से भी लड़ जाते हैं कि हम डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, और अब भारतीय सरकार से भी एप्पल ये कह रहा है कि हम अपना डेटा शेयर नहीं करेंगे। देखते हैं कब तक शेयर होता है। बट यहां पर दरअसल परेशानी ये है कि यहां पर इन जितनी कंपनियों के जो मोबाइल फोन के अंदर जितना भी डेटा रहता है और डेटा ट्रांसमिशन में जितनी भी चीजें हैं, इनके सर्वर्स जो हैं वो ज्यादातर भारतीय बाउंड्री के बाहर हैं, भारतीय सीमा के बाहर हैं, तो इसमें डेटा
कितना उन सर्वर्स पे जा रहा है और क्या बीच में कहीं डेटा किसी सरकारी एजेंसी, किसी विदेशी ताकत के हैकर के पास ये डेटा लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कहीं पे सीप हो रहा है, ये यहां पे सरकार को इस बात की टेंशन है। बिकॉज पिछले दिनों कुछ इस तरीके के इवेंट्स हुए जिससे सरकार को ये शक हुआ कि कई स्मार्टफोन्स के मैसेजेस और कॉल डिटेल्स दरअसल चाइनीज सर्वर पर पाए गए। तो ये क्या किसी मैलवेयर की मदद से किया जा रहा है या ये फोन जब असेंबल होता है, क्योंकि जैसा हम बताएं कि यहां जैसे फॉर एग्जांपल हम आईफोन ही लें, ये डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया जरूर है पर असेंबल्ड इन चाइना होता है, तो ये दरअसल इस तरीके की मतलब कोई भी फोन इस खतरे की जो जिस पर हम बात कर रहे हैं उससे बाहर नहीं है, ज्यादातर फोन नहीं है, पर यहां पर एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैमसंग का फोन है, ये दरअसल इसके ऊपर लिखा गया है कि मेड इन इंडिया, तो ये फोन मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बन रहा है, तो यहां पर सरकार को काफी हद तक मेरे पास मोटोरोला का फोन है, इनफैक्ट सुनील चन्ना को भी हम इस पूरे डिस्कशन में शामिल करेंगे, मेरे पास मोटोरोला का भी फोन है, तो मतलब ये भी खतरे के दायरे में ही आता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास पर्सनल डेटा होगा, मेरे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं या कुछ प्राइवेट चैट्स हैं वो भी लीक हो सकती है, उस पर किसी और की नजर है अभिषेक? बिल्कुल, इसमें इस पे खतरा हो सकता है, शक है ऐसा। अब ये कितना ये लोग क्या सफाई देते हैं उसके ऊपर हमें मालूम चलेगा, बट खतरा तो है। सुनील, एक्चुअली बहुत गंभीर समस्या है, 21 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है क्योंकि शक है कि एक्चुअली इन पर हैकिंग हो रही है, इसका जो पर्सनल डेटा है वो बाहर जा रहा है। पहले भी तो हैकिंग का खतरा था कई ऐसे हाल ही के समय में, जैसा अभिषेक भी बता रहे हैं ऐसे मॉलवेयर आए जिससे एक्चुअली डेटा लीक होने की बात हुई, ये खतरा क्यों इतना बड़ा माना जा रहा है? खतरा ये बहुत डिफरेंट है, जब एक मैलवेयर या स्पाइवेयर आता है तो एक एज एप्लीकेशन आता है, तो वो एक लिमिटेड सेट ऑफ डिवाइसेस पे ही फैल सकता है। जब एक अंडरलाइन हर मोबाइल डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहे यूज करेगी एंड्रॉयड लेकिन उसको थोड़ा सा ट्यून करती है, ये करते वक्त अगर वो कोई एक मैलवेयर या स्पाइवेयर डाल दे तो जितनी भी डिवाइस यूज होंगी हिंदुस्तान में या और जहां भी, तो वहां से एक रियल टाइम में डेटा कॉम्प्रोमाइज होना लार्ज स्केल पे पॉसिबल है और इसलिए बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है और the risk is much more larger for the entire citizens of India, you know. In fact, Pankaj Mahindra ji is with us today. Pankaj ji, you will understand this better than me, and more than कि जिस खतरे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेटा कॉम्प्रोमाइज होना, और हम एक्चुअली आजकल अपना जितना भी पर्सनल डेटा है, अपने पासवर्ड्स हैं, आप मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एट द क्लिक ऑफ बटन हमारे हाथ में, हमारे जेब में फोन रहता है, पर्स में फोन रहता है, अगर इसी से सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, ये बहुत बड़ा खतरा है। 21 कंपनीज को नोटिस जाना एक्चुअली एक बहुत ही गंभीर विषय है। अब इसको लेकर कैसे खतरे को और कितना डीप थ्रेट को एनालाइज किया गया है? नहीं, ये ऐसे नहीं है कि एक इंग्लिश बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, उसमें एक वर्ड होता है अबंडेंट प्रिकॉशन। तो अबंडेंट प्रिकॉशन का ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत ग्रेव डेंजर एक सामने आ गया है, राइट? दिस इज अ मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन दैट सॉफ्ट स्मार्टफोन्स के आने से एक बहुत ही पल्सेटिंग डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, तो उसमें जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए हमें जरूर लेने चाहिए। जो मैं आपके पैनलिस्ट के से सुन रहा था, जो आपसे सुन रहा था, वो ऐसे आप कंस्ट्रू कर रहे थे जैसे मोबाइल फोन कंपनीज बहुत ही एंटी नेशनल और इंसीडियस तरीके से कुछ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं कंज्यूमर के। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। देखिए, जो स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दिस इज एन ओपन आर्किटेक्चर। जब आप एक बाग में आ जाते हैं जहां पे आपकी कम्युनिटी गार्डन है, आपकी प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बिकॉज यू हैव अ ओपन आर्किटेक्चर। ओपन आर्किटेक्चर में कोई भी एप्लीकेशंस लिख सकता है, कोई भी एप्लीकेशंस आपके पास आ सकती है, और जो भी एप्लीकेशन आपसे आपका कंसेंट नहीं मांगती है वो दैट इज रॉन्ग। जो भी कंज्यूमर कंसेंट देता है उसके बाद ही जो चीजें आप इतनी अलार्मिंग चीजें बता रहे हैं वो तभी होता है जब कंसेंट होता है। नाउ मैं आपको तीन चीजें बताता हूं इंपॉर्टेंट।
पहली चीज है नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। स्मार्टफोन आर्किटेक्चर, स्मार्टफोन जो 38 करोड़ स्मार्टफोन अब ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि इंडिया ऐसे तो नहीं है कि वल्नरेबल हो गया है कि कोई साइबर अटैक्स हो जाए, राइट? तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसका एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली पंकज जी, और उसके लिए हमें नेशनल सेल्युलर कंपनीज यहाँ पर कुछ कर रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात हो रही है, से फॉर एग्जांपल अगर हैकिंग हो जाती है उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या कोई एजेंसी है जिसको डेटा लीक किया जा रहा है, ये सेल्युलर कंपनीज नहीं कर रही है, लेकिन ये एक ऐसा थ्रेट है जो उसको नहीं प्रिवेंट कर सकते बिकॉज आपका ओपन आर्किटेक्चर है। नहीं नहीं, आप बिकॉज आपने एक स्मार्टफोन एक्सेप्ट कर लिया है एज अ यूज, और अगर आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज एप्स की फायरवॉल नहीं है, वी डोंट हैव अ नेशनल फायरवॉल ऑन एप्लीकेशंस, तो अगर आपने कोई नॉन रोबस्ट ऐप डाउनलोड कर ली है और उस एप्लीकेशन प्रोवाइडर की इंटेंशंस मलेशियस हैं, राइट, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, हैंडसेट कंपनी कुछ नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली सर, बट हैंडसेट कंपनी तो फोन बेच चुकी है, राइट सर, बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि जो हमने एक ऐप डाउनलोड किया है, आपने भी जितने भी आप ऐप डाउनलोड करते होंगे फोन में, उसमें एक्सेस मांगा जाता है कि वो आपकी गैलरी में एक्सेस करेगा, आपके फोन बुक में एक्सेस करेगा, आपकी लोकेशन एक्सेस करेगा, बहुत सारे आपके फोन के अंदर एक्सेस की बात करता है। तो दैट मीन सुनील चन्ना जी, ये ऐप जो एप्स होते हैं इनमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से जो एप्स हैं वो एक्चुअली मैलिशियस एप्स हो सकते हैं, जो एक्चुअली आपका जो डेटा है वो लीक कर सकते हैं या उससे आपको खतरा हो सकता है, इन सिंपल वर्ड्स? दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे मैल इंटेंशन वाकई रेयर है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है और उससे डैमेज वाइड स्प्रेड हो सकता है। ये मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया था, ना कि ये बोला कि ऐसा हो रहा है या प्रूवन है। इफ यू अलाउ मी टू कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट, रिस्क एट द एप्लीकेशन लेवल ज्यादा है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज एप्लीकेशन में यूजली यू डू गिव द राइट टू द एप्लीकेशन टू एक्सेस योर GPS, टू योर कैमरा, योर मल्टीपल अदर थिंग्स। वो एक हाई रिस्क है, डेफिनेटली ओपन आर्किटेक्चर है, एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। मोर इंपॉर्टेंटली, ये एक व्हाट आई वुड वांट टू से, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू सेंसिटाइज द सिटीजन्स अबाउट दैट दे शुड बी केयरफुल अबाउट देयर डेटा सिक्योरिटी। हमारे देश में एक डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है, डेटा की सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है, और आप अगर देखें कि एक डिवाइस को जब आप बेचते हैं, आप कभी सोचते भी नहीं कि आपने अगर इरेज कर दिया उसको कि वो सेफ है, जबकि एक जाना जाता है कि बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हमारी कंपनी के इसमें काम करती है, डेटा वापस निकल सकता है फिजिकल डैमेज होने के बाद भी। तो क्या पॉसिबल है ये जो कंपनी जिनको नोटिस भी भेजा गया है महेंद्र सर, कि सुरक्षा के लिहाज से उनका जो फोन है या हैंडसेट है, जो वो सिक्योरिटी जो एक नेट क्रिएट करते हैं, वो कितना कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है, और ये इन्फॉर्मेशन भी देने के लिए कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रीलोडेड एप्स, डिवाइस के ब्राउजर की जानकारियां देने नहीं, के लिए कहा देखे, है। जैसे हाँ जी पंकज, जैसे ह्यूमन मैनकाइंड इवॉल्व करती है, जैसे पहले हम सिर्फ चलते थे, फिर हमने घोड़े पे भागना शुरू किया तो रिस्क बढ़ गया, फिर जब मोटर गाड़ी आई तो और रिस्क बढ़ जाता है, जब हमने उड़ना शुरू किया रिस्क और बढ़ जाता है। तो टेक्नोलॉजी से आपकी लाइफ इनहेंस होती है, राइट? तो जैसे GPS आप जो कह रहे हैं लोकेशन के लिए, वो इसलिए होता है कि आपको उसकी बहुत सुविधा मिलती है कि आपकी लोकेशन पता लग जाती है, तो यू गेट लॉट ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज बेस्ड ऑन दैट। लेकिन क्या ये प्राइवेसी जो सुनील जी बता रहे हैं, क्वेश्चन सर, क्या ये आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करने इतना हद तक ब्रीच कर सकता है? प्रोवाइडेड दैट आई वॉन्ट दैट प्राइवेसी, डू आई वॉन्ट दैट प्राइवेसी? मैं अपने घर में छुप के बैठना चाहता हूं कि मैं अपने कम्युनिटी गार्डन में आके लोगों से बात करना चाहता हूं? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल चॉइस। प्लेटफॉर्म इज एन ओपन, जो सब्सक्राइबर अपनी प्राइवेसी
जो सब्सक्राइबर अपनी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहता, देयर इज नो बिजनेस ऑफ एनीबॉडी टू इंट्रूड इनटू हिज प्राइवेसी. ऑलराइट, इस डिस्कशन को हम टेक्नोलॉजी सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. एब्सोल्युटली सर, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और ये भी इनफैक्ट जानना चाहेंगे कि आपको एक्चुअली इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए. आप अपने फोन में कई अहम जानकारी तो रखते हैं, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी क्या स्टेप्स होने चाहिए सो दैट आपको कल जाके परेशानी ना हो, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ. आपके स्मार्टफोन का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है. यहां पर हम एक्चुअली जिन 28 या 21 कंपनीज को यहां पर नोटिस दिया गया, उनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल कंपनीज हैं. और यह भी आपको बताएं कि 54% स्मार्टफोन चीन में बनते हैं, 46% स्मार्टफोन में से ज्यादातर की असेंबलिंग चीन में होती है, और जाहिर है ज्यादातर जो चीन में ही सर्वर है. ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिरकार आपके स्मार्टफोन में रखी जानकारी कितनी सुरक्षित है. कितना सुरक्षित है आपका स्मार्टफोन? क्या आपका पासवर्ड सुरक्षित है? हर डेटा पर मंडरा रहा है खतरा. आमतौर पर हम में से कई लोग ये सोचते होंगे कि हमारा फोन तो महंगे वाला है, चाइनीज कंपनी का नहीं है. बट रियलिटी चेक, 70,000 से 80,000 वाले स्मार्टफोन्स पर भी असेंबल्ड इन चाइना लिखा होता है. मतलब खतरा सिर्फ सस्ते स्मार्टफोन्स पर ही नहीं, महंगे स्मार्टफोन्स पर भी उतना ही है. बाजार में बिक रहे 54% स्मार्टफोन चाइनीज कंपनियां बनाती हैं, बाकी बचे हुए 46% स्मार्टफोन्स में से ज्यादातर स्मार्टफोन्स की असेंबलिंग चाइना में ही होती है. ऐसे में डिजिटल ड्रैगन का खतरा पूरे भारत पर मंडरा रहा है. और वैसे भी देखा जाए तो स्मार्टफोन पर अब हर साइबर क्रिमिनल की नजर है, फिर चाहे वो इंडिपेंडेंट हैकर हो या फिर विदेशी सरकारों का पाला पोसा हैकर. साइबर क्रिमिनल्स की पहली पसंद स्मार्टफोन इसलिए भी बनता जा रहा है कि स्मार्टफोन हर वक्त इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है. आपके सारे राज स्मार्टफोन में ही बंद रहते हैं. आपकी लोकेशन, फोटोग्राफ, ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेस जैसी सारी जानकारियां भी स्मार्टफोन में ही सेव रहती हैं. और तो और, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट ऐप्स के आने के बाद आपके रुपए पैसे की सारी एक्सेस भी स्मार्टफोन में ही आ गई है. ऐसे में स्मार्टफोन्स के अंदर मौजूद डेटा को कौन नहीं चुराना चाहेगा. पर खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है. मोबाइल फोन के डेटा की अहमियत इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो मोबाइल फोन है किसका. एक आम साइबर क्रिमिनल शायद आपके फाइनेंशियल डेटा को चुरा कर चुप बैठ जाए, पर स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स के जरिए देश के नामी गिरामी लोगों के डेटा पर भी खतरा मंडरा रहा है. सोच कर देखिए, अगर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की ईमेल विदेशी एजेंसियों तक पहुंच जाए तो इंडस्ट्री तबाह हो सकती है. देश की सुरक्षा एजेंसियों में काम करने वाले लोगों के मोबाइल हैक कर देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है. दीपिका भूटानी, जी मीडिया. इनफैक्ट इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज महेंद्र जी एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, ह्यूमंस की. हम आगे बढ़े हैं क्योंकि मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में भी सर आगे बढ़े हैं, और वैसा ही खतरा बढ़ गया है डेटा सिक्योरिटी ब्रीच का. अब इनफैक्ट क्योंकि ये खतरा है और सरकार ने ये कदम लिया है कि हाँ इस खतरे से पार पाना है और कंपनियों को नोटिस भी भेजा है, इसका वे आउट क्या हो सकता है? क्योंकि डेटा सिक्योरिटी एक्चुअली आजकल के टाइम में प्रॉब्लम है, और एक अवेयरनेस कैसे क्रिएट किए जाए जो फोन यूजर्स हैं उनके बीच में. मैं आपका डेटा कुछ करेक्ट करूंगा कि आपने कहा कि 54% फोन चाइना में बनते हैं. नॉट दैट कि मैं कह रहा हूं कि चाइना में फोन बनने से कोई रिस्क है, बट इंडिया में 70-80% जो स्मार्टफोन्स हैं जो इंडिया में बिकते हैं वो अब इंडिया में बनते हैं. आपका डेटा थोड़ा डेटेड है तो मैं आपको रिफ्रेश करूंगा कि पिछले 1.5 साल में 44 नई मोबाइल फोन फैक्ट्रियां लगी हैं इंडिया में, और ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होती है. तो पहली चीज तो मैं ये करेक्ट करूंगा. right, sir. दूसरी चीज मैं ये आपके अब करेक्ट करूंगा कि जो आपने इवेंचुअलिटीज कही हैं वो सब इवेंचुअलिटीज पॉसिबल है. कि किसी सीईओ की मेल हैक हो जाती है या वो हो जाती है, बट हमें कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं मिला था कि आप इसको फॉलो करो. हम बड़े इनोसेंटली मोबाइल फोन बनाते हैं और वर्ल्ड क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर लगाते हैं. राइट, तो देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी दैट ये हमें फॉलो करना है.
ये इंक्रिप्शन फॉलो करनी है, ऐसे कुछ डिटेल्ड कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके लेकिन सर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंडिया का डेटा इंडिया से बाहर जाए ना जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोबाइल फोन कंपनी की नहीं है, गवर्नमेंट की है. लेकिन सर, हम गवर्नमेंट के साथ एक चीज पर मैं कोऑपरेट करेंगे, जो भी कॉमन क्राइटेरिया बनेगा सर, ऐसे में कोई तो रास्ता होगा एज एन एसोसिएशन या फिर सरकार को क्या चीज करनी चाहिए, क्योंकि यूजर दरअसल मोबाइल फोन खरीद रहा है, उसका डेटा भी जरूरी है और यूजर भी जरूरी है, कंज्यूमर भी जरूरी है पूरे मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए. तो ऐसे में सही रास्ता क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए या फिर मोबाइल फोन की कंपनियों को क्या करना चाहिए? ठीक है, दिक्कत कुछ है, लेकिन फिर क्या इसका तरीका क्या हो सही? You see, as I said, abundant precaution and acceptable risk. आप बहुत ही vulnerable और high security job में हैं, जैसे आपको Z plus security provide की जाती है, तो आपको एक Z plus environment create करना पड़ेगा security का smartphone के लिए. Right? आपको data, आप सोचते हैं कि data आपका breach हो रहा है या आप पे cyber attack हो सकता है, तो आपको इंडिया का डेटा बाहर जाना बंद करना पड़ेगा. So, how is that और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इंडिया में जो नेटवर्क है आपका सिक्योर है. कि मैं एज अ लेमैन या एज अ मोबाइल यूजर मैं अपने फोन को कैसे सिक्योर कर सकती हूँ? सुनील, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि हर सिटीजन के लिए वो एक जेड प्लस सिक्योरिटी अपने लिए चाहेगा एक आइडियल वर्ल्ड में. और अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो रहा है, डिजिटल इंडिया मूव कर रहा है, तो एक सिटीजन की एक्सपेक्टेशन एक सिक्योर डिवाइस की क्यों ना हो. क्या आप एक ऐसे घर में रहना चाहेंगे जिसके पिलर्स वीक हो और अर्थक्वेक आए तो वो गिर जाए? आप क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि एक अंडरलाइंग लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हो? Right. तो मेरे हिसाब से अगर सरकार ये पूछती है कि आपने डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स लिए हैं या आपको इंश्योरेंस दे सकते हैं कि जो आप डिवाइस बेच रहे हैं उसके साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई गैप नहीं है, मैलवेयर नहीं है, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा स्टेप है सिटीजन की इंटरेस्ट. एब्सोल्युटली. और आज के टाइम में हकीकत यही है कि जो आपका डेटा है इन द फोन वो एक्चुअली वल्नरेबल है, और इसीलिए ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है इसलिए जिससे आपका जो फोन है आपके लिए सुरक्षित हो और आपकी जो निजी जानकारी वो लीक ना हो. थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यू पॉइंट शो में रखने के लिए. फिलहाल इस खास शो में बस इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए.